मैं मुख्यतः गवार बाजरा गेहूँ की खेती करता हूँ और बाजरा ज्यादा प्रेफर करता हूँ। इसमें जो है डायबिटीज वगैरह कैंसर से लड़ने की क्षमता है, बाजरे में सुपर फूड है। तो श्री अन्न जो नाम दिया इसको सच्ची मुझे अच्छे करके दिया। पहले जब ऐसी कोई वैरायटीज आती थी और सुनते थे तो स्वीकार कर लेते थे कि कोई बगल वाला खेत वाला करे, जरा पहले दूर से देखे यार ठीक हो रहा नहीं है, फिर हम करें। नहीं सर, ज्यादातर तो यही प्रॉब्लम है, इसका उपाय है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास बहुत छोटी 2 एकड़ जमीन है तो छोटा सा टुकड़ा प्रयोग करना, बाकियों में नहीं करना, बाकियों में आपकी जो, और उसमें अगर ठीक निकलता है या तो 4 कोने में थोड़ा थोड़ा कर देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि शायद आप खुद अपना प्रयोगशाला अपने खेत में ही खड़ी कर सकते हैं। किसान को किसान देख के जल्दी काम पकड़ता भी, इसकी आमदन मेरे से ज्यादा ना बढ़ जाए। ये बात नहीं है, किसान आज का अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन पिछले 10 सालों में ना किसान सर चना गेहूं और धान इन फसलों में जा रहे थे। आपने मिल्स के MSP बता दिया सर। झगड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है वो आपके यहाँ भी होता है। जब आप सबसे मैं सुनता हूँ तो मैं वाकई मेरा मन कह उठता है कि भारत की खेती के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। 3 देश के लोग हैं जिनका रुचि बढ़ा। हाँ, अमेरिका के लोग हमारे पास आए सर, सूरीनेम से जो है, सूरीनेम से वहाँ के सांसद हमारे पास आए थे सर, इसके बारे में जानने के लिए, बातें करने के लिए। जो जैसे किसान भाई हैं, पहले सर सभी बाजरा रागी वगैरह काफी वर्षों पहले सभी करते थे और स्वस्थ भी रहते थे सर। इतनी बीमारियां जो आजकल हो गई हैं तो ये बीमारियां भी नहीं थी। तो सर मिलेट खाना पहले नंबर पर तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। किसानों को सर इससे लाभ भी हो रहा है क्योंकि उन्हें जो है पैसा भी ज्यादा मिल रहा है सर। हम मार्केट से उसे 2-3 रुपए उनसे सर फालतू खरीद लेते हैं और उससे अपना पैकेजिंग करके सर उसमें भी रेट ज्यादा मिल रहे हैं, तो किसान को सर उसमें डबल आमदनी हो रही है। लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान को तो हमने बहुत सुना है, अटल जी ने उसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया था, लेकिन आज का युग बदल गया है, इसलिए मैंने तो कहा भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण जय अनुसंधान। और जब मैं बाजरे के खेतों में आपका जो वर्णन सुन रहा हूँ, इतने सारे नए बीज वैरायटी देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये मंत्र सच्चे अर्थ में धरती पर उतरा है, खेतों में गूंज रहा है। और आप तो प्रगतिशील लोग लगते हैं, आप प्रयोगशील भी लगते हैं, और इसलिए मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर ये जो खुशी है ना, ये सभी किसानों के चेहरे पर कैसे आए। ये जो 11 किस्में आपके सुझाव थे, आपको आपने 18-19 में हमें सुझाव दिया था कि अंडर यूटिलाइज क्रॉप्स को हमें मेन स्ट्रीम करने है। हमने तब से अनुसंधान शुरू किया और ये 11 वैरायटी जो है हमने इसकी निकाली है। लैब में काम करने वाले और लैब पर काम करने वालों का ये नाता, यही तो सबसे बड़ी ताकत है। देखिए किसानों वैज्ञानिकों ने आपसे जो सुना जाना उसके आधार पर जो सोच की, इसी में से तो नई नई वैरायटी आ रही है। और आपके चेहरे से लग रहा है आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा भाई। किसान लोग बताइए, नई नई वैरायटी होती है आप लोगों को कैसा लगता है? ये किसान मेरे अंडर आ जाए इस खाते में। भारत सरकार की स्कीम आई थी मेरा गांव मेरा गौरव, तो मेरे भी गांव का क्लस्टर IRA ने अडॉप्ट किया था। तो उसमें हर सोमवार को हमने एक दिन तय किया था कि फार्म स्कूल चलेगा, कोई ना कोई साइंटिस्ट यहाँ से आता था। तो जो हमारी समस्या थी कि हमारा चावल रिजेक्ट हो रहा था बाहर पेस्टिसाइड की वजह से, तो हमारे किसानों के ग्रुप को वो समझाया गया कि आपने ये पेस्टिसाइड नहीं डालनी और एक गैप के तहत गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के तहत आप खेती करोगे। तो आज की डेट में ये पोजीशन है कि हमारा चावल पहले खेत से सैंपलिंग होता है और फिर उसका टेस्टिंग होता है, फिर एक्सपोर्टर लेता है और उसका हमें बाद में हमारा चावल जाने के बाद हमें एक्स्ट्रा बोनस देता है। भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम अनीता है, मैं आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ और मैं गन्ने की पोत तैयार करती हूँ। जो अपना रोग ग्रस्त गन्ना होता है उसे अलग कर देते हैं और कच्चा गन्ना निकाल के उसकी नस्ल बना करते हैं। सबको मालूम है कि आपका रोग मुक्त गन्ना का बीज है। किसान का मन करना चाहिए कि कृषि विज्ञान केंद्र जाना, वहाँ पूछना समझना,
कोई नई चीज आई है तो यहाँ किसी से फोन पे बात करना था। अरे वाह। किसान सम्मान निधि है इसका तो कहना ही क्या है, और सिंचाई से भी जो है। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से जब मैं सूचन सुनता हूँ ना कि किसान खुद अपनी धरती माँ की चिंता करने लगा है, वो भी मानने लगा है कि भाई ये उर्वरक, ये फर्टिलाइजर, ये पेस्टिसाइड्स, ये दवाइयाँ सब तबाही कर रही है, और वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ रहा है। और मैं देख रहा हूँ जब किसानों ने प्राकृतिक खेती की कमान संभाल ली है तो परिणाम बहुत बड़ा आएगा। मैंने तो पहले ही कहा था भाई तीसरे टर्म में मैं तीन गुना रफ्तार से काम करूंगा, और यही तो तीन गुना रफ्तार है जब आज करीब करीब 109 वेराइटीज किसानों के चरणों में रखते हुए इसको आनंद नहीं। इससे पहले क्या होता था कि ये जब उद्घाटन होते थे नई किस्मों के बीज के, तो कहीं ऑडिटोरियम में बैठ के और अपना पेपर कट जाता। बार हुआ किसान बुलाए और किसानों से पूछा, मुझे यकीन नहीं था कि वो इतना डीपली जाके पूछेंगे, उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे बातें पूछे। महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और एक महिला शक्ति को आगे बढ़ने का, आगे निकलने का मौका मिला है। उन्होंने जब से सीरियन के बारे में बताना शुरू किया कि मिलेट्स खाइए, वो अपने बारे में बताते कि मैं मिलेट्स खाता हूँ, इसके ये फायदे हैं, तो लोगों के प्रति उसकी थोड़ी जागरूकता बढ़ी है। और इससे क्या हुआ कि जब डिमांड भी शुरू किया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूरंदेशी सोच के और लोगों से थोड़ा आगे के सोचने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि जब तक कि किसान और साइंटिस्ट आपस में नहीं मिलेंगे तो वो लैब में रह जाएगी नॉलेज और वो उसकी फार्म पे रह जाएगी। महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, किसान भाई अपने आप में सक्षम होंगे, तो ये बहुत अच्छी पहल है, पहले ऐसा किसी ने भी नहीं किया। महिलाओं को स्पेशली इतना प्रोत्साहन दिया कि वो आगे आए, और जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो लोग भी अपनी घर की महिलाओं को ये मौका दे रहे हैं कि वो जाएं और काम करें।